पाकिस्तान के जुल्मों से तंग आकर पीओके के लोगों ने हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आक्रोश ऐसा है कि पाकिस्तान की पुलिस को जान बचाने के लाले पड़ गए हैं। पाकिस्तान में लगातार असंतोष भड़क रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी फौज भी पीओके से भागती हुई नजर आई है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की जनता इतने गुस्से में है कि पाकिस्तानी पुलिस को मिलकर पीट रही है। यहां धारा 144 का असर पूरी तरह से गायब हो चुका है। हालात ऐसे हैं मानो गुरिल्ला युद्ध चल रहा हो। यह है आज का पीओके। यहां के लोग आक्रोशित हैं। पाकिस्तान की पुलिस को यहां से खदेड़ देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पीओके की पीड़ित जनता पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ कई दिनों से सड़कों पर उतरी हुई है, लेकिन अब इनका प्रदर्शन उग्र हो चला है। गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा है। जनता को सताने वाले पाकिस्तानी पुलिस रहम की भीख मांगती दिख रही है। यहां पीओके के लोग किसी भी हाल में अब पाकिस्तान को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। उग्र आंदोलन कर रहे लोगों को रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे हैं, लाठी चार्ज करना पड़ रहा है, लेकिन भीड़ की आवाज और जान से हाथ धोने के डर ने पाकिस्तान की पुलिस को भीगी बिल्ली बना दिया है। पीओके में हो रहे हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई हैं। बिजली संकट, महंगाई और टैक्स की बड़ी दरों के खिलाफ त्रस्त जनता ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शहबाज सरकार की ज्यादतियों पर अब आर पार की लड़ाई हो रही है। राजधानी मुजफ्फराबाद में आवाम सड़कों पर उतर आई है। जानकारी के मुताबिक दादियाल, मीरपुर, समाहनी, सहनसा, रावलकोट, खुरेटा, ततापानी और हट्टियन बाला समेत पीओके के कई हिस्सों में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो रही है। पीओके में धारा 144 भी लग गई है, फिर भी यहां की आवाम सड़कों पर उतरी हुई है। यहां के लोगों को भारत से मदद की उम्मीद है। पाकिस्तान के बदतर हालात और पीओके में दिख रहे विरोध ने शहबाज सरकार पर संकट बढ़ा दिया है। दूसरी ओर पीओके की पीड़ित जनता को अब इस बात की भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि भारत उनकी आवाज नहीं सुन रहा। देश के गृहमंत्री लगातार साफ कर रहे हैं कि पीओके हमारा है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम वो लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके। गरीबी और भुखमरी से जूझ रहे लोग पाकिस्तान के खिलाफ हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, लेकिन पीओके के हताश लोगों को भारत के विदेश मंत्री को सुनना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि जिस तरह कश्मीर भारत की विकास यात्रा में साथ चल रहा है, वैसे ही एक दिन पीओके के लोगों के भी अच्छे दिन आएंगे। Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. But I do want to say one thing. I didn't used to get people ask us about this 10 years ago. जाहिर है पीओके की पीड़ित जनता जिस तरह से पाकिस्तान की पुलिस को खदेड़ रही है, उससे उनके सब्र का बांध टूट रहा है, लेकिन बस कुछ वक्त और फिर पीओके हमारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।